हाँ जी गाइस, अब हमारा है द राइज ऑफ एग्रीबॉट्स। ये है हमारा रीडिंग पैसेज 2 और टेस्ट है हमारा 4th। ऑफिशियल बुक का है ये। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है। सबसे पहले है भाई यस नो एंड नॉट गिवन। 14 देखिए, गवर्नमेंट्स शुड डू मोर टू इंश्योर द फूड इज जनरली अफोर्डेबल। क्या गवर्नमेंट को ज़्यादा करना चाहिए, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स देने चाहिए ये देखने के लिए कि फूड इज़ जनरली अफोर्डेबल, कि जनरली फूड सबको अफोर्ड हो जाए, तो उसके लिए डू मोर, गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फर्स्ट में ही देखिए आप, द नेक्स्ट टाइम यू स्टैंड एट द सुपर मार्केट चेक आउट स्पेयर अ थॉट फॉर फार्मर्स हु हेल्प फिल योर शॉपिंग बास्केट एज लाइफ इज हार्ड फॉर देम राइट नाउ। This in turn inevitably means bigger grocery bills for consumers and greater hardship for millions in countries where food shortages are a matter of life and death. Food shortage की बात है कि जहाँ पर death और life और death का सवाल हो जाता है food को लेकर। Worse studies suggest that world will need twice as much food by 2050. यानी 2050 तक जितना आज हमें food की ज़रूरत है इससे double हो जाएगी हमारे पास, मतलब हमें चाहिएगा खाना, इससे डबल डिमांड हो जाएगी। तो कहीं ये बताया कि गवर्नमेंट को जो है जनरली फूड को अफोर्डेबल करने के लिए ज़्यादा करना चाहिए प्रयास, ऐसी तो कोई बात नहीं की गई बिल्कुल भी। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका नॉट गिवन। नेक्स्ट देखिए 15, फार्मर्स नीड टू रिड्यूस द हार्म दे डू टू द एनवायरमेंट। फार्मर्स को ज़रूरत है रिड्यूस, घटाने की, हार्म यानी कि नुकसान को घटाने की ज़रूरत है जो वो इन्वायरमेंट को पहुंचाते हैं। अभी देखिए यहाँ देखिए इसी के आगे, येट वाइल फार्मर्स मस्ट स्क्वीज मोर आउट ऑफ द लैंड दे मस्ट ऑल्सो एड्रेस द नेसेसिटी ऑफ रिड्यूसिंग दियर। अब देखिए दे मस्ट ऑल्सो एड्रेस होता है काबू पाना चाहिए, नेसेसिटी जरूरत पर, ऑफ रिड्यूसिंग दियर इम्पैक्ट, रिड्यूस करना चाहिए इम्पैक्ट ऑन सोयल वाटरवेज एंड एटमोसफेयर, यानी कि उनको रिड्यूस करना चाहिए, अपना अपना स्क्वीज करना चाहिए जो है उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो भी फर्टिलाइजर वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं इम्पैक्ट पड़ रहा है जो, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है चाहे वो सोयल पे हो, वाटरवेज में या फिर एटमोसफेयर में। तो यहाँ है 15, फार्मर्स नीड टू रिड्यूस द हार्म दे डू टू द इन्वायरमेंट या एटमोसफेयर। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपका रहेगा येस। 16 देख लीजिए, इन द फ्यूचर फार्मर्स आर लाइकली टू इंक्रीज दियर डिपेंडेंसी ऑन केमिकल्स। फ्यूचर में फार्मर से ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी केमिकल के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब वो ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करेंगे। अभी देखते हैं 16 देखिए, यहाँ नीचे के नीचे थोड़ा, ऑन द न्यू मॉडल फार्म्स ऑफ द फ्यूचर प्रिसाइशन विल बी की, वाई डोज अ होल फील्ड विद केमिकल्स। सारे डोज पूरे केमिकल्स की डोज पूरी फील्ड को क्यों देनी, इफ यू कैन स्प्रे ओनली वेयर दे आर नीडेड। अगर हमें वहीं स्प्रे कर सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत है। Each plant could get exactly the right amount of everything, no more or less. उसको right amount मिलेगी, ना ज़्यादा ना कम। An approach that could slash, इससे slash होएगा, कम होएगा chemical use and improve yields in one move, जिससे chemical का use कम होगा। तो ये तो chemical का use भाई कम करेंगे, ऐसा ही बताया गया है ना। तो 16 में क्या पूछा गया है कि वो increase करेंगे chemical का use, तो नहीं, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका नो। 17 देखिए, फार्म्स इन यूरोप एंड यूएस मे फाइंड इट हार्ड टू अडेप्ट टू प्रिसाइशन फार्मिंग। प्रिसाइशन फार्मिंग को अपनाना यूरोप और यूएस में मुश्किल रहा, मे फाइंड इट हार्ड, शायद मुश्किल हो सकता है इस प्रिसाइशन फार्मिंग को अपनाना। अब इन कंट्रीज के नाम यहाँ है देखिए, बट दिस इज़ ईजियर सेड दैन डन,
द लार्जेस्ट फार्म्स इन यूरोप एंड यूएस कैन कवर थाउजेंड ऑफ एकर्स। हमने देखना है कि उनको मुश्किल होगी इसको अपनाने में या आसानी होगी, ये देखना है। यहाँ से यूएस की बात चली है। स्पेसिफिकली से एग्रीकल्चर इंजीनियर्स प्रिसीशन फार्मिंग नीड्स रोबोट फार्मर्स, लेकिन ये तो नहीं बताया कि यूएस और यूरोप में उनको आसानी होगी प्रिसीशन फार्मिंग में। बात तो प्रिसीशन फार्मिंग की है ना, अडेप्ट करने की, तो इसकी बात ही नहीं की कि उनको आसानी होगी या मुश्किल, तो इसलिए आपका इसका भी आंसर नॉट गिवन रहने वाला है। अब नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड ओनली में है हमारे पास। देखिए, इन द फ्यूचर एग्रीबोट्स विल प्रोवाइड डैश टू यंग प्लांट्स। यंग प्लांट्स को फ्यूचर में एग्रीबोट्स क्या प्रोवाइड करेंगे, ये देखना है। चलिए इसी के नीचे देखते हैं। वन डे, एक दिन यानी फ्यूचर की बात है, वी माइट सी, हम देख सकते हैं फील्ड्स विद एग्रीबोट्स। अब देखते हैं क्या प्रोवाइड करेंगे। एग्रीकल्चर रोबोट्स दैट कैन आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सीडलिंग, सीडलिंग मतलब कि बीज बोना, एंड इनक्योरेज दैम अलोंग विद ड्रॉप्स। इनक्योरेज करेंगे अलोंग विद ड्रॉप्स के साथ, किस चीज़ की ड्रॉप्स देंगे उनको, इनक्योरेज करेंगे मतलब कौन सी चीज़ प्रदान करेंगे, फर्टिलाइज़र। वहाँ क्या है दिया हुआ, क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ है इनक्योरेज करेंगे उनको अलोंग विद ड्रॉप्स ऑफ फर्टिलाइज़र, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा फर्टिलाइज़र। सम मशीन्स विल यूज केमिकल, कुछ मशीन तो केमिकल यूज करती हैं करेंगी, और डैश टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, जो अनवांटेड जो बेकार के प्लांट्स हैं उससे पीछा छुटवाने के लिए कुछ मशीन्स तो केमिकल्स यूज करेंगी, केमिकल्स और क्या है केमिकल के साथ, इसी में देखिए। अदर मशीन्स वुड डिस्टिंग्विश, अलग करेंगी प्रॉब्लम वीड्स को फ्रॉम क्रॉप्स, एंड इलेमिनेट दूर कर देंगी देम विद शॉट्स फ्रॉम हाई पावर लेजर्स, और या तो हाई पावर लेजर से उनको दूर करेंगी बीमारियों को प्रॉब्लम्स को, या फिर माइक्रोडॉट ऑफ पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड और क्या है यहाँ पर, और लेजर्स, एक तो पेस्टिसाइड्स है एक लेजर है। अब पेस्टिसाइड का मतलब तो आपका हो ही गया केमिकल्स, तो अब क्या बचा, लेजर्स, तो इसलिए यहाँ आंसर रहेगा और में दिया हुआ है वहाँ भी लेजर्स। 20 देखिए, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ डैश, किस चीज़ की प्रोडक्शन है, विच करंटली यूज मोस्ट मशीनरी ऑन फार्म्स, किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा मशीनरी लगानी पड़ रही है, हमने ये देख प्रोडक्शन किस चीज़ की है। दीज मशीन्स विल ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड हार्वेस्ट ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, मोर देन अ सेंचुरी ऑफ मैकेनाइजेशन हैज़ ऑलरेडी टर्न्ड फार्मिंग इन टू एन इंडस्ट्रियल स्केल एक्टिविटी इन मच ऑफ द वर्ल्ड विद फार्म्स दैट ग्रो, क्या उगा रहे हैं, सीरियल्स। अब हमने ये भी तो देखना है ना, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो मशीनरी, बींग द मोस्ट हैवली ऑटोमेटेड, ज़्यादा हैवी तरीके से मशीनरीज को यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ को ग्रो करने के लिए, सीरियल्स को, यहाँ है ग्रो सीरियल्स, यहाँ क्या है प्रोडक्शन सीरियल्स, ठीक है, यहाँ मोस्ट मशीनरीज है वहाँ हैवी मशीनरीज लगा लो, हैवी मोटिवेटेड, तो ग्रो या प्रोडक्शन सेम है, तो इसलिए सीरियल्स रहेगा। नेक्स्ट देखिए, डैश बिटवीन मशीन्स सच एज ट्रैक्टर इज मेकिंग फार्मिंग मोर एफिशिएंट, मशीनों के बीच में क्या है, जैसे कि ट्रैक्टर्स का उदाहरण दिया है, वो फार्मिंग को और आसान बना देगा, एफिशिएंट बना देगा, बना रहा है, इज मेकिंग। अभी देखते हैं मशीन्स के बिटवीन में ऐसा क्या है, ये है हमारा 21st, ये थोड़ा सा आगे चलिए अगले पैराग्राफ में। यू प्रोबली हैव नॉट नोटिस दिस रोबोट्स आर डिसयूज्ड एज ट्रैक्टर्स, मैनी आर सेल्फ स्टीयरिंग हैं, यूज GPS टू क्रॉस अ फील्ड
एंड कैन इवन टॉक टू दियर इम्प्लीमेंट्स अ प्लो स्प्रेयर फॉर एग्जाम्पल एंड इम्प्लीमेंट्स कैन टॉक बैक टेलिंग द ट्रैक्टर दैट इज गोइंग टू फास्ट. उसको ट्रैक्टर को बता देगा कि आप ट्रैक्टर ज़्यादा तेज चल रहा है और नीड टू मूव टू द लेफ्ट या उसको लेफ्ट की तरफ मुड़ने की जरूरत है. दिस अब ये क्या चीज़ है. दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो बींग डिवलप्ड इन अदर फार्म व्हीकल्स. की जा रही है ये डिवलप. क्या चीज़ डिवलप की जा रही है भाई और व्हीकल्स में. कम्युनिकेशन वाला स्किल. तो यहाँ है डैश बिटवीन मशीन्स. जैसे ट्रैक्टर हो गया एफिशियंट बना रहा है उसको कि लेफ्ट मुड़ना है या स्लो डाउन करनी है स्पीड या फास्ट करनी है. तो कम्युनिकेशन इसका आपका आंसर आएगा. कम्युनिकेशन. हाँ जी अब नेक्स्ट देखिए 22 to 26 हैं. इसमें कुछ राइटर्स के नाम लिखे गए हैं और इनको इनकी फाइंडिंग्स की हैं जो इन्होंने इनकी हेडिंग्स के साथ मैच करना है. सबसे पहले देखते हैं सीमन ब्लैकमोर ने इनमें से कौन सी बात कही है. ठीक है ये है हमारा 22. यहाँ देखते हैं इसका नाम मिलेगा आपको सीमन ब्लैकमोर. ये रहा सीमन ब्लैकमोर हु रिसर्च. थोड़ा सा हम ऊपर से रीड करते हैं इसको. However, when fully autonomous system take to the field, they will look nothing like tractors. वो ट्रैक्टर की तरह नहीं दिखाई देंगे. With their enormous size and weight, today's farm machines have significant downside. आज की मशीनों की downside हैं भाई. अब देखिए क्या दिखाया गया है कि fully जो automatic होंगे ना system, they will look nothing like tractor. वो ट्रैक्टर के जैसे दिखाई नहीं देंगे. जैसे आजकल क्या हो रहा है टुडे में उनका साइज और वेट बड़ा है ज़्यादा. फार्म मशीन्स हैव सिग्निफिकेंट डाउन साइड्स हैं उनकी. दे कॉम्पैक्ट सोइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं रिड्यूसिंग पोरोसिटी एंड किलिंग बेनिफिशियल लाइफ. मीन्स क्रॉप्स डू नॉट ग्रो सो वेल. तो सीमन ब्लैकमोर हु रिसर्च एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एट हार्पर एडम्स यूनिवर्सिटी कॉलेज इन इंग्लैंड बिलीव्स दैट फ्लीट्स ऑफ लाइट वेट autonomous robots have the potential to solve this problem and that replacing brute force with precision is key. यानी लाइट वेट चाहिए होंगे जो है हमारे पास ऑटोमेटेड मशीन्स. तो इसने ये बात कही है. तो इसका आपका आंसर रहने वाला है भाई सी. देखिए वी नीड मशीन ऑफ फ्यूचर टू बी एग्जैक्ट नॉट मोर पावरफुल. ज़्यादा पावरफुल नहीं चाहिए मशीन्स जो ट्रैक्टर जैसी दिखाई ना दे बिल्कुल भी. यानी लाइट वेट ही चाहिए. नॉट मोर पावरफुल नहीं चाहिए टू बी मशीन्स ऑफ द फ्यूचर टू बी एग्जैक्ट. सेम ही होनी चाहिए वो. ठीक है तो ये बात आपकी सीमन ब्लैकमोर ने कही है. अब देखिए 23rd हैंटन एल्डर्ट वैन हैंटन से देखते हैं ये कहाँ आपको मिलने वाला है. ये है हमारा 23rd. ये देखिए यहाँ देखिए देयर इज अनदर रीजन व्हाई ऑटोमेशन मे बी द वे फॉरवर्ड. ऑटोमेशन क्यों आगे आ रहा है ऑटोमेटिक मशीन्स का दौर ये कह रहा है. अकॉर्डिंग टू एल्डर्ट वैन हैंटन अ रोबोटिक रिसर्चर एट यूनिवर्सिटी इन नीदरलैंड्स व्हाइल द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग. पॉपुलेशन तो बढ़ रही है जबकि एंड नीड्स टू बी फैड. उनको पालने की जरूरत है भोजन खिलाने की. अ रैपिडली श्रिंकिंग नंबर ऑफ पीपल आर विलिंग. रैपिडली श्रिंकिंग नंबर ऑफ पीपल आर विलिंग यानी गिर रहा है उनका नंबर लोगों का जो विलिंग जिनकी इच्छा है. किस चीज़ की इच्छा है जिनकी टू वर्क इन एग्रीकल्चर. यानी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन लोगों की इच्छा है जो रुचि है वो इसमें घटती जा रही है एग्रीकल्चर में. यही बताया गया है. देखिए दोबारा से रीड कर सकते हैं आप. पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एंड नीड्स टू बी फेड. अ रैपिडली श्रिंकिंग नंबर ऑफ पीपल आर विलिंग टू डू वर्क इन फार्मिंग. तो अगर हम देखें
यहाँ से इसका एफ आंसर है। एफ क्यों है? देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ इम्प्लॉयज़ इन फार्मिंग इंडस्ट्री, तो लोग काम नहीं करेंगे तो क्या है, शॉर्टेज है इम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की फार्मिंग इंडस्ट्री में। अब देखते हैं हम अपना 24th है आपका लिंडा कैल्विन एंड फिलिप मार्टिन। कैल्विन और मार्टिन देखते हैं इसकी बात कहाँ पर की गई है। फिलिप एंड कैल्विन एंड मार्टिन, ये रहे देखिए कैल्विन मार्टिन, यहाँ से भी इनकी बात है। इनके दोबारा से नेम आएगा यहाँ मैंने रीड किया था, ये रहा एक कैल्विन मार्टिन, एक ऊपर था फिर यहाँ था। कैल्विन एंड मार्टिन हैव ऑब्जर्व्ड हाउ राइजिंग एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट्स हैव लेड टू द अडॉप्शन ऑफ लेबर सेविंग फार्म टेक्नोलॉजी इन द पास्ट, कि राइजिंग एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट की कॉस्ट बढ़ गई एम्प्लॉयमेंट की लोगों की, तो क्या हुआ उससे, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज़ की लोगों ने, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई तो उन्होंने मशीनों की तरफ रुख कर लिया। साइटिंग द रेजिन इंडस्ट्री एज एन एग्जांपल, इन 2000 बम्पर हार्वेस्ट क्रैश हो गई थी, प्राइस गिर गए चीज़ों की एंड विद प्रॉफिट स्क्वीज, प्रॉफिट कम हो गया। फार्मर्स लुक्ड फॉर अ सॉल्यूशन, फार्मर सॉल्यूशन देख रहे थे। विद लेबर वन ऑफ दियर बिगेस्ट कॉस्ट, 42% ऑफ द प्रोडक्शन एक्सपेंसिस ऑन US फार्म्स, 42% तो भाई लेबर में ही चली जाती है उनकी कमाई ऑन एवरेज। दे स्टार्टेड यूजिंग अ मैकेनिकल हार्वेस्टर, यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने, अडेप्टेड फ्रॉम मशीन यूज बाय वाइन मेकर्स, ठीक है मशीन यूज कर दी। बाय 2007 ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कैलिफोर्निया रेजिन्स वर मैकेनिकली हार्वेस्टेड एंड लेबर फोर्स वंस नंबरिंग 5000 हैड श्रंक टू 30,000, यानी लेबर 50,000 से लोगों से 30,000 पर आ गई क्योंकि उन्होंने अपना काम ऑटोमेटिक करना शुरू कर दिया था। तो इसमें देखिए यानी कि मशीनरी के फायदे बताए गए हैं, इसका आंसर आपका रहेगा एच। इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑफन ड्राइविंग फोर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं किसी चीज का रेट गिर गया किसी का बढ़ गया, वो ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड के पीछे डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स जब हुए, प्राइस गिरे फसलों के, लेबर की कॉस्ट बढ़ी, तभी उससे मशीनरीज आई, डेवलपमेंट हुई, तो इसलिए इसका आंसर आपका एच है। नेक्स्ट देखिए लुइस हॉलोवे, 25th लुइस देखते हैं कहाँ पर है, यही नीचे देखिए, ये रही इसकी बात लुइस हॉलोवे की, ये है हमारा 25th। अब देखिए लुइस हॉलोवे क्या कह रहे हैं, हु स्टडीज एग्रीकल्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हल यूके सेज रोबोटिक मिल्किंग, यानी कि मिल्क निकाल रहे हैं अभी रोबोट्स के द्वारा, ठीक है, इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस द जेनेटिक्स ऑफ डेयरी हर्ड्स एज फार्मर्स ऑप्ट फॉर रोबोट फ्रेंडली काउज। अब उन मशीनों के हिसाब से उनकी उनसे जो फ्रेंडली रहेंगी काउज, ठीक है, उनको अडोप्ट करना फार्मर्स पसंद कर रहे हैं। विद अदर शेप एंड इवन एटीट्यूड्स सूटेड टू ऑटोमेटेड मिल्किंग, यानी मिल्किंग की बात है भाई, मिल्किंग में भी मशीन्स आ चुकी हैं। तो इनमें से देखते हैं, ए है आपका आंसर, यूज ऑफ ऑटोमेशन माइट इम्पैक्ट ऑफ द डिवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, पर्टिकुलर एनिमल पे भी प्रभाव इम्पैक्ट पड़ सकता है भाई ऑटोमेशन का, जैसे काउज के ऊपर पड़ रहा है, प्लांट स्पीसीज की भी बात है इसी में, आगे देख लीजिए, ये रहा फ्रूट्स वेजिटेबल्स गेट द शॉप्स, ठीक है, से लीफ शेप्स, तो ऐसे वीड्स फ्रूट्स प्लांट्स की भी बात हो गई और उसकी भी हो गई आपकी एनिमल की भी, तो इसलिए इसका आंसर आपका उनके ऊपर इम्पैक्ट दिखाया गया है ऑटोमेशन का, तो ए आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट है इस पैसेज का 26, साला शुक्रिया, आई थॉट मुझे लगा था कि ये शाहरुख होगा लेकिन साला है, नाम अच्छा है वैसे। 26 देख देते हैं इन्होंने क्या बात कही है भाई, अभी देखते हैं इनको भी ढूंढते हैं कहाँ है, ये रहे द रियल टिपिंग पॉइंट, यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट
इनएविटेबली दीज मशीन्स विल इवेंचुअली एल्टर, इन मशीन्स ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया लैंडस्केप, भूमि को चेंज कर दिया है इन्होंने। द रियल टिपिंग पॉइंट ऑफ फॉर रोबोट एग्रीकल्चर विल कम व्हेन फार्म्स आर बीइंग डिजाइंड विद एग्रीबोट्स इन माइंड, एग्रीबोट्स के द्वारा फार्म के डिजाइन तय किए जा रहे हैं। से सलाह शुक्रिया अ रोबोटिक रिसर्चर फील्ड रोबोटिक्स स्टूडेंट, दिस कुड मीन अ रिटर्न टू स्मॉलर फील्ड्स में जाएंगे दोबारा से विद क्रॉप्स प्लांटेड इन ग्रीड्स, ग्रीड्स में लगाएंगे क्रॉप्स को रादर देन रोज एंड फ्रूट ट्रीज प्रोन इन टू टू डायमेंशनल शेप्स टू मेक हार्वेस्टिंग ईजियर। द एलियन टेरेन टेंडेड बाय रोबोट्स इज स्टिल अ वाइल अवे ही सेज बट इट विल हैपन, यानी डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, लैंडस्केप चेंज हो जाएगा, मतलब चेंजेस की बात की है कि मशीनरी कुछ चेंजेस लेकर यहाँ आएंगी। तो अगर हम चेंजेस की बात देखें तो वो आपको डी में देखने को मिलेंगी, ये देखिए डी, एज फार्मिंग बिकम्स मोर ऑटोमेटेड द अपीयरेंस ऑफ फार्मलैंड विल चेंज, अपीयरेंस दिखने का जो ढंग है फार्मलैंड का वो चेंज हो जाएगा जैसे जैसे ऑटोमेटेड बनती जाएगी फार्मिंग। तो ठीक है, थैंक यू गाइज़।